must have felt bad कि यार क्लाइंट रो के गया, कौन सा क्लाइंट रो के जाता होगा इनका गाड़ी के लिए. The waiting period till getting your delivery was pathetic. उन्हें इतना explain करने की जरूरत नहीं, उनका side लेने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने आया हमें बहुत बहुत खपाया उन्होंने हमें, तो तू उनकी साइड मत ले इतनी. हेलो जी, क्या हाल है? मेरा नाम है सिमरन और ये है सुगंधा. और आज है 30 मार्च, लगभग 10 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं पठानकोट से अमृतसर की तरफ. एंड मैं एक वीडियो बनाना चाहता था हमारी जो टेस्ट राइड जो हमने ली किया सोनेट की, जो हमने बुक की और जो इसका वेटिंग पीरियड हमने फेस किया है. तो आई वॉज वेटिंग कि कब सुगंधा मेरे साथ रहे, क्योंकि ये जो सफ़र हमारा रहा है गाड़ी लेने का, दोनों को इकट्ठा रहा है. तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो. तो जो गाड़ी थी हमने ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए कि अक्टूबर में आई थिंक, है ना, अक्टूबर 2020 में हमने देखनी शुरू कर दी थी. इनफैक्ट हम लॉकडाउन से पहले ही देख रहे थे उसमें. उस टाइम पे हमने डिसाइड किया था यार टाटा की अल्ट्रोज आई थी, तो हम दोनों का बहुत उस पर मन था कि टाटा की अल्ट्रोज क्यों ना ली जाए. बट उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया तो सारे प्लान्स कैंसिल हो गए. फिर इवेंचुअली जब लॉकडाउन खुला उसके थोड़े टाइम के बाद अक्टूबर में हमने अपनी सर्च फिर से शुरू की. वी वर वेटिंग फॉर i20 का नया लुक आना था. ठीक है, i20 का नया लुक आया. इट वॉज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, उन्होंने पूरी कम्प्लीटली बदल दी थी. इनफैक्ट जो पिछली गाड़ी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती है. और इंटीरियर पूरा ब्लैक कर दिया, इंटीरियर ब्लैक कर दिया. दैट वाज क्वाइट, हाँ, मतलब फिर भी हमने अपना मन बना लिया था कि हाँ ले लेंगे, ले लेंगे किसी तरीके. चलो कि ब्लैक है कोई बात नहीं, मतलब तो सुगंधा का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था लेने का. i20 एक ऐसी गाड़ी है जो नहीं आई है, मतलब फर्स्ट टाइम यू गो इंटीरियर आप देखते हो. जिनको ब्लैक नहीं पसंद, लाइक जैसे फर्स्ट टाइम हम जाते हैं अगर i20 देख रहे हैं उसका इंटीरियर, तो फर्स्ट टाइम लगता है कंपैरेटिवली पिछले i20 के इंटीरियर से कि नहीं ये नहीं जचेगी. बट सेकेंड टाइम थर्ड टाइम दो तीन बार आप जाते हो तो वो अच्छा लगने लगता है. ऐसा नहीं है, ग्रेजुअली यू सेटल डाउन फॉर दोस लुक्स एंड फॉर दोस इंटीरियर. लुक अच्छा लगने लग गया था एंड वी डिसाइडेड टू गो फॉर दैट. हां, बट उसमें क्या हुआ कि हम यहां पठानकोट आए थे तो हमने अपने ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ को हम लेके गए थी. हम टेस्ट राइड ले, मतलब उनको भी टेस्ट राइड दिलवा लें एक बारी, उनके भी रिव्यूज जान लें कि कैसे हैं. बट उन्होंने साफ ही मना कर दिया, देखते ही मना कर दिया. उन्होंने तो बैठने से मना कर दिया भाई. ये जो मेरे साले साहब हैं उन्होंने तो डायरेक्टली कह दिया कि भाई ये गाड़ी तो बिल्कुल नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी. इट वाज अ स्ट्रिक्ट नो. सिस्टर के पास ऑलरेडी i20 है, तो वो बहुत अच्छी है, वो पुराने लुक्स वाली है, वो बहुत उसको भी पसंद नहीं आई. तो फाइनली फिर भी वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस. महिंद्रा थार वाज आल्सो एन ऑप्शन बट वेटिंग बहुत थी एंड उसके लिए हमें फंड्स थोड़ा ज्यादा इकट्ठे करने पड़ते. हर जगह नहीं लेके जा सकते, रेयर सीट का कोई है नहीं, कंफर्ट अंदर बाहर निकलना मुश्किल, फैमिली कार नहीं है. तो उसके बाद भी लाइक मतलब ये जो सारे प्रोसेस में हम यूट्यूब हम दोनों का ओपन ही था. हम बी वर लुकिंग फॉर कार्स, सोनेट वाज एन ऑप्शन. मतलब इनिशियली इट वाज नोवेयर इन पिक्चर, सोनेट वाज नोवेयर इन पिक्चर. नहीं बट यू टोल्ड मी सुगंधा एक बार देख सोनेट, तो जब i20 का मन था मैंने बोला मैंने नहीं देखनी. तब कोई आइडिया नहीं था कि सोनेट भी, मतलब मैंने सुगंधा को सोनेट पहली बार दिखाई थी तो इसने मना ही कर दिया, नहीं यार मेरे को नहीं लेनी, मेरे को लेनी. बट ये ऐसी कार है अगर आपके पास 11-12 लाख रुपए आप खर्च रहे हैं, ठीक है, हमारा स्पेसिफिक था कि डीजल लेनी है, तो उस टाइम पे i20 हमारे पास एक स्पोर्ट्स में ऑप्शन था डीजल में जो कि 10-10.5 का पड़ रहा था और एक ये ऑप्शन था. तो दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में थी. बट ये रिक्वायरमेंट हमारी देखते हुए एक तो ऊंची है और बहुत ही बढ़िया गाड़ी है. अब हम आ जाते हैं कि जो मेन हमें जहाँ से हमारी दिक्कतें शुरू हुई. देखो गाड़ी नो डाउट किया कि जितनी भी गाड़ियाँ निकल रही बहुत अच्छी हैं, बट ये जो सेल्स का जो आपका एक्सपीरियंस रहता है ना, जो हमने प्रेजेंटली फेस किया बहुत ही बुरा था. मेन आ जाते हैं हमारी जो टेस्ट राइड हमने लेनी थी उसके लिए हमारे काफ़ी चक्कर लगे. आई स्टिल रिमेंबर कि एक बार हम अपनी कार धुलवा रहे थे पुरानी, तो मैंने उसी टाइम फ़ोन किया था सेल्स एग्जीक्यूटिव को, तो उन्होंने कहा था मैं आपके एरिया में ही हूँ बट गाड़ी मेरे पास ना IMT है पेट्रोल. तो वो उसी समय आ गया था, तो हमने उसकी टेस्ट राइड ली. तो गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी थी,
है कि नहीं सुगंधा? बहुत अच्छी थी। उसका जो इनिशियल पंच था एकदम मतलब निकलने को भागती थी, मतलब वो गाड़ी चला के लगा कि हाँ, हाँ। एक भारी गाड़ी चला रहे हैं। और ना उसका और क्लच नहीं क्लच था, क्लच नहीं लगाना पड़ता था, दैट वाज द बेस्ट पार्ट। और मैंने एवरेज एवरेज की मैं बात बता दूं, वो बात बाद में बताएंगे। तो एवरेज उसकी मैंने उस समय देखी थी एमआरडी पे 8.5 की शो कर रही थी उनकी डेमो कार पे। तो पेट्रोल पहले ही हमारी चॉइस नहीं थी, और उसके बाद क्या किया कि आईएमटी चलाई, ठीक है, उसमें क्लच तो होता नहीं, और अपनी गाड़ी में भी क्लच के बगैर गियर डाल दिए। और मैं देख रहा हूँ यार ये चल क्यों नहीं रही, चल क्यों नहीं रही। चलो एक तो ये एक्सपीरियंस था। उसके बाद हमारा जो मेन, हमें 2-3 दिन लगे क्योंकि एक्चुअली हमारा कंसर्न था कि यार हमने डीजल परचेज करनी है, तो काफी मतलब कॉल करना पड़ा इन्हें, ठीक है, फिर इन्होंने नहीं दी, फिर हम हार के आई स्टिल रिमेम्बर शोरूम में चले गए थे हम 29 नवंबर की बात है, एंड वी वर लाइक आपने हमें गाड़ी देनी है कि नहीं देनी, हाँ। मतलब हमें डिस्ट्रैक्ट मतलब मिल रही है, उनमें है ही नहीं, जहाँ गाड़ी डिमांड में ही। उस दिन भी हमें याद है हम गए थे कॉल करके कि उन्होंने कहा कि चलो गाड़ी लगी हुई है, सैटरडे का दिन था 29 नवंबर, कि आप आ जाओ, आपको हम टेस्ट राइड जो है हम दे देते हैं। तो हम चले गए, बट फिर उधर थी नहीं कार। तो फिर हमने अगले दिन के लिए कॉल किया कि मतलब लारे पे लारे थे कि आज नहीं है, गई हुई है, इधर गई हुई है, उधर गई हुई है। फिर हार के मैंने इनके जीएम को ही फोन कर दिया, मैं कहा यार आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव वो टेस्ट राइड ही दे रहा, मेरा इंटरेस्ट है डीजल गाड़ी परचेज करने में। तो उनके जीएम ने कहा कि हुणे आंदा है, हुणे जिथे हो तुसी हुणे मुंडा आ रहा थोड़े को। देन उसमें भी वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, 29 की भी वीडियो है हमारे पास, और फिर अगले दिन 30 की भी वीडियो है। और 30 में भी ऐसे हुआ था कि जो टाइम हमें प्रॉमिस किया गया था, पता नहीं मेरे को याद नहीं कि 2 बजे के करीब, तो उस पे भी बंदा इनका 1 घंटा लेट आया था। वी वर वेटिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस, हमने इनको प्लेस बता रखी थी कि आप ना इधर आ जाओ, यहाँ पे हैं हम, तो हम 1 घंटा वेट करते रहे। तो टेस्ट राइड का एक्सपीरियंस तो मैं कहूँगा मेरा बहुत ही गंदा वाला था, मेरे को बहुत वेट करना पड़ा कि जो गाड़ी मैंने खरीदनी थी उसकी टेस्ट राइड करने के लिए वो गाड़ी इनके पास अवेलेबल ही नहीं थी। कि हम दोनों जा रहे हैं किया मोटर्स अमृतसर, बहुत दिनों से हम ट्राई कर रहे हैं कि किया की गाड़ी की टेस्ट राइड लेने के लिए, जो कि है किया सोनेट, ठीक है। रिव्यूज हमने देखे हैं बहुत अच्छे हैं, तो हमारा भी मन किया कि चलो आज टाइम था तो निकलते हैं। बट हुआ कुछ ऐसे है कि काफी दिनों से हम टेस्ट राइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिस दिन मैंने उनके रिप्रेजेंटेटिव को कॉल किया था वो मेरे घर के आसपास ही थे, ठीक है, बट उनके पास आईएमटी का मॉडल था, तो हमने आईएमटी की टेस्ट राइड ले ली थी। बट हमारी दिलचस्पी जो है स्पेशली सुगंधा की, वो है डीजल मैनुअल में दिलचस्पी। तो अभी बहुत सारी जद्दोजहद के बाद हमें किया ने बिल्कुल भी टेस्ट राइड नहीं दी, तो आखिरकार हम खुद ही जा रहे हैं किया के शोरूम में। हमने जीएम को भी फोन किया, जीएम आई फील टॉकिंग टू हिम ही इज वेरी कोऑपरेटिव, ठीक है, बट होता है यार कई बार बंदा बिजी होता है, इनका सेल्स स्टाफ भी बिजी रहता होगा, एक क्लाइंट्स को ही भूल जाते हैं। तो क्लाइंट्स खुद जा रहे हैं किया मोटर्स इस बार, किया सोनेट डीजल मैनुअल अगर उधर अवेलेबल होगी हम टेस्ट राइड करेंगे और आपसे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तू करेगा कि नहीं? Obviously, मैं IMT का मेरा चुके हम और फील तो हमने ले लिया गाड़ी की, बस अभी डीजल की फीलिंग। मतलब IMT कुछ ऐसा ऑटोमेटिक नहीं है, काम उसमें भी आपको उतना ही करना है, सिर्फ पैर का काम आपका आसान हो जाएगा। But बहुत आसान है, मतलब यू जस्ट हैव टू पुट गियर, बस गियर लगाई जाओ और गाड़ी चलाई जाओ। ट्रैफिक में तो उस दिन हम ट्रैफिक में भी फंस गए थे उसी सेम गाड़ी के साथ, बट बहुत मजा आया था उस गाड़ी के साथ। ऑटोमेटिक से अच्छा है, those who cannot go for automatic, they can surely go for IMT, but the only problem is IMT सिर्फ पेट्रोल में। हाँ, डीजल में होनी चाहिए थी। मतलब जिनको डीजल चाहिए उनके। But eventually कुछ पता नहीं, maybe आने वाले टाइम में डीजल में भी IMT आ जाए, हो सकता है। But manual कुछ भी हो सकता है। हाँ भाई, असली गाड़ी चलाने का मजा तो क्लच दबा के। ये देखो जी, आज अगला दिन है, आज है 29, कल हम गए थे 28 तारीख को, दोनों जाने किया मोटर्स गए थे, बट उन्होंने हमें टेस्ट राइड नहीं दी क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं थी, गाड़ी डिमांड में ही बढ़ी है।
तो आज हमने फिर से बोला कि हमें टेस्ट राइड चाहिए, तो उन्होंने बोला 2 बजे आएंगे, पर 2 के 3 बज चुके हैं, समझ सकते हैं। और ये हमारी अभी टेस्ट राइड चल रही है, ये देखो। पीठ पे लग रही है, पीठ मत तोड़। तो ये वेटिंग फॉर दैट गाय, वो आएगा फिर हम टेस्ट राइड लेंगे। ये देखो टेस्ट राइड नहीं होगी। ये हो तो रही है टेस्ट राइड। हमने सोचा सीसॉ की ले लेते हैं टेस्ट राइड। तो जी 30 को फाइनली हमने टेस्ट राइड ली। हमें डीजल गाड़ी बहुत पसंद आई दोनों को, ठीक है। और एंड देयर एंड देन वी डिसाइडेड कि हमें गाड़ी दे दो। नाउ व्हाट हैपेंड, हां तेरी, आई वाज लाइक हमें पसंद है गाड़ी, चलो बुक कर दो। तो देन दे टोल्ड अस इट हैज अ वेटिंग पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। पहले तो हमें उससे पहले क्या हुआ था कि किसी ने हम जब शोरूम में गए थे तो एक एग्जीक्यूटिव ने हमें बोला था 15 दिन में आ जाएगी। देन इवन आई वाज शॉक्ड क्योंकि मुझे नहीं पता था कि गाड़ी के लिए वेटिंग पीरियड भी होता है। मुझे लगा गाड़ी लगी होती है, आप बस लेके आ जाते हो। सुगंधा का था कि पैसे, सिर्फ पैसे देने हैं, बुक करानी है, एक दिन बुक कराएंगे, अगले दिन पैसे देंगे और उसी दिन ले आएंगे। चलो उसने 15 दिन बोले, चलो वो भी डाइजेस्ट हो गई, चलो ठीक है 15 डेज है। बट जब हम टेस्ट राइड लेकर है ना, फाइनली वी डिसाइडेड कि हाँ ये गाड़ी हमें लेनी है, देन दे टोल्ड अस कि ये 2 महीने की वेटिंग है। ओ गॉड, इतना मन उदास। बट दैट आल्सो वाज फाइन। नो, इट वाजंट फाइन इनिशियली, बिकॉज माय बर्थडे वाज लाइक ऑन द वे। मुझे था कि 31st को दिसंबर को हम कहीं घूमने चलेंगे, वी विल लाइक कुछ अपनी नई गाड़ी का कुछ घर पे लेके आएंगे, ठीक है। मतलब 2 महीने की तो चलो वेटिंग थी, बट ये मैं बता दूं, हमने एक जिस दिन हमने टेस्ट राइड ली थी ना डीजल की, 29 नवंबर को ली थी शायद, 29 के करीब बात है, 29-30 की। और उसके एक दिन बाद हमने 1st दिसंबर 2020 को ये बुक करा दी थी। और बुकिंग में भी हमें इस वे में इंश्योरेंस दी गई थी कि सर हम कोशिश करेंगे हम आपको पहले दिलवा देंगे, 45 डेज में दे देंगे या उससे पहले दिलवा देंगे, ये इंश्योरेंस दी थी उधर के जनरल मैनेजर ने, ये उसकी जबान थी। तो अभी ना सुगंधा आपको बताएगी कि बुकिंग के बाद ना हमारा मतलब एक्साइटमेंट लेवल बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारे कुछ स्पेसिफिक रीजन थे जो कि आपको सुगंधा बताएगी। सो मिनिमम टाइम पीरियड वाज 45 डेज। तो चलो बर्थडे तो गया क्योंकि 1st दिसंबर को की है, 31st को बर्थडे था, तो वो तो पॉसिबल ही था। तो वी थॉट कि शायद हमारी एनिवर्सरी थी 18th को, कि चलो 1st एनिवर्सरी में हम ले आएंगे, कुछ अच्छा हो जाएगा, एज इट वाज अ सरप्राइज फॉर एवरीबॉडी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, 45 डेज निकल गए। नहीं, अब इसमें तो ये बता कि 31st दिसंबर तक और 18 जनवरी तक हमने मल्टीपल कॉन्वर्सेशंस की हैं एजेंसी वालों से। 31st दिसंबर चलो निकल गया, बट हमें था कि शायद 18 तक आ जाए, 18 तक आ गए। वी केप्ट ऑन कॉलिंग देम, और इसमें भी शोरूम, मतलब उस शोरूम में बार बार गए हम मिलने के लिए। हमने सेल्स एग्जीक्यूटिव को कॉल किए हैं मल्टीपल कि भाई साहब गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, क्योंकि हमें अश्योरेंस दिया गया था कि हम आपको पहले भी दिलवा देंगे। अच्छा, दिसंबर में तो वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाती है, तो देन दे सेड अब आपको 2021 मॉडल मिलेगा जो 15th ऑफ जैन के बाद डिस्पैच होगा। तो अगर अगर पॉसिबल हो गया हम आपको दे देंगे 15 तक दे देंगे। दिस इज लाइक ये उनकी लाइन थी। हां, ये लाइन थी, इसीलिए ना देयर वाज अ होप। 31st को तो नहीं, 31st का तो चलो कैंसिल ही होगी, 2020 मॉडल हमने लेना नहीं था। 18 जनवरी हमारी बहुत प्रायोरिटी थी कि चलो 2021 मॉडल हमें मिल जाएगा, और 18 जनवरी को ये हमें पहला ही डिस्पैच करा देंगे, पहले लॉट जो इनके पास आया था, ये बातचीत हुई थी। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव से हम बात करते रहे, तो बीच में उन्होंने ना कॉल उठाना ही बंद कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सेल्स एग्जीक्यूटिव का पत्ता ही काट दिया बीच में से, कि यार सेल्स एग्जीक्यूटिव के हाथ में तो कुछ है नहीं, ठीक है उसके। तो हमने सीधा जनरल मैनेजर से टाई अप कर दिया अपना, कि मैंने जब भी कॉल किया मैंने जीएम को कॉल किया। जीएम इनिशियली मेरे को, अब मैं किसी के उस पर कमेंट नहीं कर रहा, बट मेरे को बहुत अच्छा बंदा लगा, इतना कॉन्फिडेंट, मतलब हद एक होता है 100% कॉन्फिडेंस, उसका लगा लो 200% कॉन्फिडेंस था, ठीक है। तो हम जाते रहे हम ना, मतलब मल्टीपल विजिट्स हमने दी होंगी, कितनी को विजिट दे ली होंगी,
गिनती तो याद नहीं, लेकिन बहुत बारी मतलब जो जीएम थे उन्होंने हमें बड़े अच्छे से एंटरटेन किया, दे ही गेव अस होप कि आपकी आ जाएगी गाड़ी, आ जाएगी, आप टेंशन मत लो। और 18th गया, देन हमने अपनी जो है पेशेंस लूज कर दी। और इस दौरान अपनी एक्साइटमेंट लेवल का भी पता, हाँ एक्साइटमेंट ऑब्वियसली खत्म होती जा रही थी। आई वाज लाइक यार I-20 ले लेते, एक हफ्ते में आ जानी थी यार, क्या ये वो, हम इतने कंफ्यूज हो गए क्या करें क्या नहीं करें। हमें बिल्कुल नहीं आइडिया था कि गाड़ी लेनी भी इतनी मुश्किल हो सकती है। वी वर लाइक कि हम रेडी है टू बाय अ कार एंड कार इज नॉट रेडी हमारे पास आने के लिए, मतलब इतनी ज्यादा वो पेनफुल सिचुएशन ही थी। इसके बाद मेरे को याद है कि उन्होंने पहले तो फेब का टाइम दिया था स्टार्टिंग का, जीएम ने चलो नहीं नहीं आई, बट उन्होंने हमें ये अश्योरेंस नहीं दी थी कोई। बट फिर उसके बाद जब हम उनसे फिर से मिले ना एक बारी, तो उन्होंने बोला 99.99% आई विल मेक श्योर कि जो पहली गाड़ी आएगी फेब में HTX ग्लेशियर वाइट, ठीक है, जो हमारा वाइट कलर था, तो वो मैं आपको दे दूंगा। बट इन बिटवीन दे स्टार्टेड ऑफरिंग अस अदर मॉडल्स, चाहे ब्लैक ले लो, ब्लैक लेनी होगी तो आप ले लोगे। वी वर लाइक चलो ठीक है आप बता देना, चलो ब्लैक नहीं हमारी प्रायोरिटी थी, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ब्लैक ही थी, लेकिन फिर हमने बहुत सोचा कि मेंटेनेंस उसकी ज्यादा है, व्हाइट इज अ वेरी गुड कलर बिकॉज देखो यार हमारे पास, मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं, मैं कपड़ा मारता रहूं, ठीक है। ब्लैक गाड़ी ऐसी है वो संभाल बहुत मांगती है, 10 मिनट आप सड़क पे लेके निकलोगे वो गंदी मिलेगी आपको, मिट्टी की परत जम जाती है। बट फिर हम कंफ्यूज हो गए थे चलो ब्लैक ही ले लेते हैं, बट क्योंकि गाड़ी मिल नहीं रही थी, गाड़ी मिल नहीं रही थी, फिर बीच में हम डाइसी हो गए यार जो दे रहे हैं ले लो। फिर उन्होंने गोल्ड का भी ऑफर दिया है जो कि बिल्कुल हमने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। Then somehow we like stick to white color only and we are happy. और जनरल मैनेजर वेट किया। और लास्ट बात जो हमारी हुई थी फेब के महीने में, जीएम ने हमें प्रॉमिस किया था 99.9% मैं आपको गाड़ी पहली जो आएगी दिलवा दूंगा, पहली वाइट आएगी। इतना ट्रस्ट बंदा, इतने कॉन्फिडेंस से बंदा बोल रहा है 99.99% पहली गाड़ी जो HTX मेरे पास आएगी वाइट वो आपकी होगी, ठीक है, एंड मैं फेब एंड तक आपको गाड़ी दिलवा दूंगा। And I remember, Feb में हम कब गए थे? 28 को शायद? अरे उससे पहले मतलब हम रोड्स पे गाड़ियाँ देखते थे, सॉनेट, जब हमें कोई सॉनेट दिखती थी खुश हो जाते थे, एक्साइटेड हो जाते थे। फिर हमें ना अच्छा नहीं, फिर हमें अचानक दो तीन बाइक दिखी विद AF, AF नंबर, then we were like कि white model, specific. White आ रही है and we are not हमें being नहीं told. मिल रही है, we are not being told. तो बस फिर हम लोग ने कहते ना छापा मारना शुरू कर दिया, जैसे ही हम देखते थे बाहर ट्रक था, ट्रक लगा हुआ है, हम लोग अंदर घुस जाते थे। एक दो बारी तो चलो हम गए बट वो कोई और ही मॉडल्स निकल रहे थे, लेकिन फाइनली लास्ट मेरे को पता है फेब 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 मंथ का लास्ट था और हम ऐसे ही अपने काम पे जा रहे थे, तो वो एजेंसी ऑब्वियसली बीच में पड़ती है इसीलिए हम इतनी बारी उधर जाते जाते रहते थे। 27 था उस दिन, नहीं हाँ 27 थी शायद, हाँ इतना ही होगा 27। और हम लोग गए और मतलब उधर वाइट ही वाइट लगी हुई है एंड पर पता नहीं लगता ना अनलोडिंग हो रही थी और ना ऐसे कतार सिर ना चार सोनेट खड़ी थी वाइट में, तो सुगंधा को तो इतना पता नहीं बट मेरे को पता है, मैं खुश में कि वाइट आ गई वाइट आ गई, बट ये बोल रहे कि पहले अंदर देख लेते हैं। HTX में देख रहा था एक, अब HTX में दो इंजन ऑप्शन आते हैं, एक आता है IMD उसमें क्लच नहीं होगा, एक आता है डीजल उसमें क्लच होगा, तो मैं स्पेसिफिकली देख रहा था यार कौन सी गाड़ी में क्लच है कौन सी गाड़ी में क्लच है। मैंने पहली देखी, मैंने कहा नहीं, दूसरी देखी नहीं, तीसरी देखी नहीं, चौथी देखी उसमें क्लच था, दरवाजा खोला उसमें क्लच था, बट स्टिल वी थॉट ये पेट्रोल भी हो सकती है। नहीं नहीं तेरे को लगा, बट आई वाज श्योर सुगंधा को लगा पेट्रोल हो सकती, बट मेरे को तो पता था कि दो इंजन ऑप्शंस हैं, तो जो क्लच वाला होगा वो डीजल ही होगा। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फोन मिलाया सेल्स एग्जीक्यूटिव को, मैंने बोला भाई साहब कोई खुशखबरी हमारे लिए, गाड़ी आई है हमारी क्या नहीं। तो भाई साहब मेरे सामने खड़े हैं, दूर खड़े, उन्होंने मेरे को देखा नहीं, तो कहते नहीं नहीं सर गाड़ी तो कोई नहीं आई। तो मैंने उन्हें बोला सर मैं गाड़ी के पास ही खड़ा हूँ, वही सेड कि हमें तो मां ऊपर से जो ऑर्डर होगा हम वही कर सकते हैं, आई वाज लाइक इट्स ओके बिकॉज़ वी अंडरस्टैंड इट्स ओके, उनकी कोई गलती नहीं, ही वाज वेरी नाइस, दैट एग्जीक्यूटिव वाज वेरी नाइस, हमारे साथ अच्छे मतलब रहे, ही वाज कीन टू गिव अस आवर कार, बट उनको ऊपर से जो है ऑर्डर जो आते थे वो ही फॉलो, इसीलिए हमने सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात करनी ही बीच में बंद कर दी थी क्योंकि उनके हाथ में कंट्रोल में कुछ नहीं है। एंड देन वी वर लाइक अब तो हम गाड़ी लेके जाएंगे, अब तो हम ये लेके जाएंगे जीएम से बात करते जाएंगे। हाँ तो हम जीएम के पास गए, तो उससे पहले ही सेल्स एग्जीक्यूटिव ने उनको कुछ अपना बता दिया था,
तो उधर क्या हुआ कि जीएम सेल्स एग्जीक्यूटिव को बोली जा रहा है कि पता नहीं क्या स्टोरी पका के इसने आपको सुना दी है, ये गाड़ी तो आपको बिल्कुल नहीं दे सकता मैं, ये तो आपकी है ही नहीं, ये तो पता नहीं कौन सा केस है, पता नहीं किन की है, कोई डाउरी केस है या कुछ है, डाउरी केस पता नहीं, डाउरी केस तो हमें बोला था सेल्स एग्जीक्यूटिव, चलो जो भी है वी विल नॉट गेट इनटू दैट, मतलब बहाने लगाए कि ये आपकी नहीं है, तो हम हमारा लाइक कि वी अंडरस्टैंड कि चलो ये हमारा नहीं है, जैसे देखो वी अंडरस्टैंड, लेकिन वी वर टोल्ड फेब की पहली वाइट गाड़ी मैं आपको दूंगा, मैं बस उनसे यही बात कर रही थी कि सर आपने ये होप दी थी हमें एंड वी हैव कम विद दिस होप कि हाँ ये वाइट आ गई है एंड यू विल गिव अस, नहीं ये आपको मैं नहीं दे सकता आपको, हमने बोला चलो ठीक है बताइए अब कितना हमें वेट करना पड़ेगा, कहता मैं कुछ नहीं कह सकता उसमें मतलब नहीं, देन ही वाज लाइक हो सकता है मार्च में, मार्च के एंड में आए, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आए, मतलब अब वो तीन महीने का, चार महीने, सवा चार महीने ही वॉज, मतलब पहले जितनी उन्होंने हमें होप दी, नाउ ऐसा पॉइंट आ गया था ही वॉज लाइक आई कांट टेल यू कब आएगी एंड वी वर लाइक सो क्लूलेस कि अब हम क्या करें, हमने कहा कि हाउ कैन यू से दिस, हम लोग मतलब बिल्कुल ही क्लूलेस होके बैठे रहे कि हमारी गाड़ी हमें मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है, उस टाइम इतनी हीटेड आर्गुमेंट हो गई थी ना, बहुत ज्यादा हीटेड आर्गुमेंट हो गई थी और वो भी इसीलिए हुई थी, मैं एक मिनट मैं रीजन बता दूं, कस्टमर डीलिंग में बहुत सिंपल सा रूल है यार, कस्टमर आ रहा है चीज खरीदना चाहता है तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसको लारा ही लगाई जाओ, लारा ही लगाई जाओ, लारा ही लगाई जाओ, स्पेसिफिकली जब अगला बंदा 12 लाख खर्चने को तैयार है, ठीक है, इतनी हीटेड आर्गुमेंट इसलिए हुई क्योंकि जीएम ने हमें प्रॉमिस किया था, जबान दी थी, कहता मेरी जबान, टेक माय वर्ड, आई विल गिव यू द कार बाय फेब एंड, ठीक है, 99.99%, ठीक है, अब जब फेब एंड आ गया और आप एकदम मुकर रहे हो कस्टमर, गाड़ी नीचे खड़ी है, और व्हाट डिड ही टेल अस वाज कि आप मुझे ट्रस्ट ही ना करो, नहीं कमाल है यार, हमने बोला ना इससे फिर तो हम आपको ट्रस्ट ही नहीं कर सकते ना, वो सीधा लाइक हां डोंट ट्रस्ट अस, एक्चुअली ठीक है वी अंडरस्टैंड कि कार्स पीछे से ही बहुत मतलब एक्चुअली डिमांड है, स्पेसिफिक मॉडल है ये, हाँ ये HTX जो भी है मॉडल, इसमें पीछे से ही बहुत जो है डिले है, लेकिन हमें उस पॉइंट पे ये लगा कि ऐसा नहीं है, गाड़ियाँ आ रही हैं बट दे आर गिविंग इट टू लाइक प्रायोरिटाइज पीपल, उनकी मतलब जो प्रायोरिटी है वो उनको दे रहे हैं, उस पॉइंट पे हमें ये फील हुआ, अगर नहीं देन व्हाट हैपेंड, देन उन्होंने अपनी वो टीम एक है टीम मैनेजर उनको बुलाया, पूरा वो खोलने लग गए लैपटॉप, देखो कि आपकी वेटिंग कितनी है, देन दे हमें उन्होंने दो टू या थ्री नंबर की वेटिंग बताई थी एंड देन दे केम अप विद कि आपकी सातवीं आठवीं वेटिंग है, एक महीना पहले कहते कि आपकी जो वेटिंग है HTX की वो दूसरे नंबर पे है, और उस दिन जब हम बात कर रहे थे ये देखो आपकी आठवीं नंबर है सातवीं नंबर समथिंग लाइक दैट, मतलब हम हैरान हो गए कि एंड व्हाट हैपेंड, कहते ये भी हमने कैसे लाई है, कितने लोगों की तो हमने कैंसिलेशन करवाई है, मतलब एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ मतलब वो जो मोमेंट थी मुझे, मैंने बस एक ही बात बोली, मैंने कहा मैं बड़ी मजबूर हूँ, नहीं तो मैं भी अभी तुम्हारी गाड़ी कैंसिल कर देगा, क्योंकि आई वॉज लिटरली मजबूर, मैं मेरे माइंड में बस ये चल रहा था, हम ऑलरेडी वेट कर चुके थे, हमारा इंटरेस्ट बना हुआ था इस गाड़ी में, आई वॉज मतलब ऐसा नहीं था कि हम कैंसिल कर देंगे, उस मोमेंट पे यही चल रहा था कि अगर अभी मैं कैंसिल करते हैं हम गाड़ी, हम किस गाड़ी के लिए जाएंगे, जिस भी गाड़ी के लिए जाएंगे I20 तो चलो हमें अब नहीं लेनी है, किसी भी अदर गाड़ी के लिए जाते हैं विल हैव टू वेट, ठीक है, तो माइंड इतना उस वक्त कह लो इमोशनल हो गया और फ्रस्ट्रेटेड था, मेरा तो उस डीलरशिप से मन नहीं उठ गया था, मेरे को बस यही था कि मैं भी अभी कैंसिल कर दूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हो रहा था यार मैं कैंसिल कर दूं, अभी मैं किसी और डीलरशिप चला जाऊं, मैं और वेट कर लूंगा, बट हम दोनों ने समझ आई पड़ती और कैंसिल नहीं किया, बस मैंने ये लाइन कह के उठ गई कि मैं बड़ी मजबूर हूँ क्योंकि मुझे गाड़ी चाहिए, नहीं तो मैं अभी आपकी गाड़ी कैंसिल कर, थोड़ी सी सुगंधा इमोशनल भी, एंड आई वेंट आउटसाइड एंड ऑब्वियसली आई क्राइड, हो गए यार इमोशंस आ जाते हैं, एंड बस ये बोल के हम चले गए वहां से, एंड देन चलो चमत्कार होता है, चल रही थी नीचे वो जो इनके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव ही होते हैं, दे मस्ट हैव फेल्ट बैड कि यार क्लाइंट रो के गया, कौन सा क्लाइंट रो के जाता होगा इनका गाड़ी के लिए, तो उनको फील हुआ होगा बुरा, तो वो पीछे पीछे आए कहते जम्मू के लिए ग्लॉट जा रहा है, उसमें चार गाड़ियां HTX के लिए, एक मैं आपको मंगा रहा हूँ, हमने हाथ जोड़े, हमने कहा मेहरबानी, हमने कहा ये मिल जाएगी, हाँ अगले हफ्ते वेंसडे को मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको ये गाड़ी मिल जाएगी, तो हमें चलो फिर थोड़ी सी होप मिली, बट ऑब्वियसली इमोशंस थे, बट वी वर हर्ट यार, बहुत हीटेड आर्गुमेंट हुई थी, वी वर वेरी हर्ट, हम लोग अंदर से हर्ट हो गए यार, क्या यार, एक तो यार पैसे खर्च के गाड़ी खरीदनी है, ऊपर से चार बातें आपकी सुने हैं, गाड़ी लेना कोई इतना मुश्किल होता है, मतलब ये वाली फीलिंग आ गई इन लोग के वहां से गाड़ी लेने में, बट चलो इट एंडेड वेल एंड समहाउ
जब वो शोरूम से निकलते वक्त मैंने बस ऐसे ही सोचा मन में कि क्या पता पीछे से कॉल आए कि आप यही ले जाओ। मैंने सिमरन को बोला मुझे यही लेके जानी है, मतलब एकदम से मन में हो गया कि नहीं मुझे यही लेके जानी है, बस हो गया, बहुत हो गया। उसी दिन सेल्स एग्जीक्यूटिव का फोन आया एंड आफ्टर फ्यू आवर्स, मतलब वी वर बिजी समवेयर, 6 मिस कॉल्स भाई साहब, ऐसा कभी हुआ ही नहीं एजेंसी से 6 मिस कॉल्स आई हो। तो जब फोन कॉल देखा तो दो बातें आई, एक ये कि या तो कुछ बुरा हुआ है, दे आर लाइक कि आप कैंसिल करा लो, और दूसरी बात यही कि शायद दे आर सेइंग कि आप यही ले जाओ, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। उन्होंने हमें बोला कि मैम एमडी तक बात पहुंची है, ही गॉट टू नो कि मैम इमोशनल होके गए हैं, तो ही सेड ये गाड़ी आप उनको दे दो और जो दूसरी आएगी वो हम आगे दे दें, जिनको देनी थी उनको। एंड दैट वाज द लाइक एक रिलीफ वाली फीलिंग होती है ना कि फाइनली, बट स्टिल जब तक हमने जाके गाड़ी पिक नहीं ना की तब तक वी वर लाइक यार कहीं पीछे से उठाई ना दे और ये ना बोल दे कि नहीं मैम हमें देनी पड़ी एंड ऑल दैट, बट नहीं इट वॉज नाइस। मतलब इन शॉर्ट क्रक्स इज दिस कि अगर आप स्पेसिफिकली HTX डीजल में आप बुक कर रहे हैं तो तैयार रहिए, बहुत लंबी वेट है, ठीक है, आपको शोरूम वाले बहुत लारे लगाने वाले हैं। मतलब मेरा ये लारे लगाने वाला जो वर्ड है ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ यार, देखो लारे आप तब लगाओ, आप पहले ही बंदे को क्लियर कर दो, उनकी गलती नहीं है, पीछे से जो भी है मॉडल में डिले है, बहुत डिमांड है, दैट्स ऑल ओके, बट आप पहले ही बता दे, पहले ही कस्टमर को क्लियर कर दो, उन्होंने हमें बोला था 2 महीने वी वर क्लियर, 2 महीने तक बंदा ना फिर माइंड में लेके चलता है, बट उन्होंने जैसे जैसे फिर आगे जाता है टाइम वैसे वैसे ना फिर कस्टमर भी परेशान हो जाता है। उन्होंने ये भी बोला था कि टाइम लाइन जो है वो टाइम उन्हें इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, उनका साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने हमें बहुत बहुत खपाया उन्होंने हमें, तो तू उनकी साइड मत ले इतनी। मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि व्हेन इट एंड्स वेल लेट्स लीव व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, सब अच्छा हुआ, एंड डे बहुत अच्छा था, वी वेंट। हाँ चलो मेरे को क्रक्स बताने दो अभी, सो क्रक्स ये है अभी कि आप जब भी जाएं स्पेसिफिकली कोई भी गाड़ी बुक कर रहे हैं तो आप पहले ही यार उन डीलरशिप से क्लियर कर लें कि आपकी कितनी वेटिंग रहने वाली है इस पे। अगर 2 महीने है तो आप माइंडसेट में लेके चलते हो 2 महीने, अगर 2 दिन भी है तो भी आप माइंडसेट में लेके चलते हो 2 दिन है, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल अगर मैं एक्सपीरियंस कहूँगा, गेटिंग द टेस्ट राइड वॉज नॉट सो ओके, बुकिंग वॉज ओके, बुकिंग में कुछ ज़्यादा करना नहीं था, एंड द वेटिंग पीरियड टिल गेटिंग योर डिलीवरी वॉज पथेटिक। अगर माइनस में रेटिंग देनी होगी मैं माइनस में रेट करूंगा, बिकॉज कस्टमर एंड पे उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया था कस्टमर को। तो ये थी हमारी एक्सपीरियंस की वीडियो, तो आई होप ये वीडियो कुछ आपको अच्छी लगी हो, तो अगर आपको अच्छी लगी हो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, अगर आप भी हम जैसे लोगों में से एक हैं जिन्होंने इतना वेट किया है, तो ऑल राइट। बट स्टिल वी गॉट इट बाय 3 मंथ्स, पीपल आर वेटिंग। हाँ पीपल आर स्टिल वेटिंग, मेरे को कमेंट्स आते हैं वीडियो में कि हमें इतना टाइम हो गया वेट करते हुए अभी तक हमें मिल नहीं रही, हम कैसे ले, आपको कैसे मिल रही, आपको कैसे मिल रही। One of them replied, I got it in 5 days. I want to know how. आपकी अप्रोच है तो आपको मिल जाती है, सीधी सी बात है। चलो ठीक है जी, बाय बाय।